स्वागत है दोस्तों शर्मा टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। आज फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आज हम एक नया वीडियो लेके फिर आपके बीच में आ चुके हैं दोस्तों। और ये वीडियो में हम आज देखने जा रहे हैं कि डेवल ऑपरेटिंग सिस्टम को या हैक द बॉक्स के जो सिस्टम है दोस्तों उसको किस तरीके से हैक करना है। और ये एक रिटायर्ड मशीन है दोस्तों और ये भी बहुत ही ईजी मशीन है इसमें जो दिखाया गया है। मगर इसमें आज हम कुछ नए चीज़ें की यूज करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, नए तरीके से हम इसको यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने SMB में कुछ काम किया हुआ था, SMB के बारे में इन्वेस्टमेंट करके उससे हमने सिस्टम को कंट्रोल में लिया हुआ था दोस्तों। तो फिर आज हम देखेंगे कि एक नया मेथड में किस तरीके से वही चीज़ है मगर थोड़ा डिफरेंट मेथड से हम यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम कितना भी लेट किए बिना आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों तो हम हमारे टर्मिनल में आ चुके हैं, मैंने आपको जो दिखाया दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ मिल रहा है दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी Nmap स्कैन कर चुका हूं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं जो Nmap स्कैन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसको मैं कैट करके मैं उसको खोल लेता हूं दोस्तों। यहां पर देख सकते हो मैंने कौन सा ये कमांड यूज किया हुआ है दोस्तों जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो Nmap एग्रेसिव स्कैन पोर्ट ऑल पोर्ट T4 और उसके बाद जो मेरे को मैंने इसको फाइल नेम करके सेव किया था और IP एड्रेस दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिला है। पोर्ट 21 जिसमें अलाउड किया हुआ है एनोनमस लॉगिन के लिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमको पोर्ट 80 भी मिल रहा है जिसमें क्या बता रहा है, HTTP सर्वर है, विंडोज IIS HTTP सर्वर जो 7.5 दिखा रहा है, हेडर भी मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का और जो हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पर खोल के रखा है, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जो टेंडर फाइव को, तो हम टेंडर फाइव जो देखते हैं ये डिफ़ॉल्ट एक IIS सर्वर का होम पेज है दोस्तों। आप जब भी एक वेब पेज आप जो भी आप सर्वर को अपने सिस्टम में जब आप इंटीग्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको सेटअप करते हैं दोस्तों, तो डिफ़ॉल्ट एक पेज मिल जाता है जो आप डिफ़ॉल्ट एक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफ़ॉल्ट एक पेज है, इसमें खास इन्फॉर्मेशन हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम जब इसको इंस्पेक्ट नहीं, हम इसको व्यू सोर्स कर लेते हैं, हम इसका सोर्स देख लेते हैं दोस्तों। तो हमको यहाँ पर नॉर्मली क्या मिला हुआ है, XML ये जो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन है, टाइप क्लास CSS बॉडी इतना, मार्जिन 0, ये जो भी HTML का कोड लिखा हुआ है बीच में HTML CSS दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हमको मिल जाता है स्टाइल क्लोज कर दिया, फिर हेड बॉडी वही कंटेंट के अंदर डाला है, माइक्रोसॉफ्ट का वो लिंक है इमेज के अंदर में, इमेज फाइल जो हमको मिल रहा है जिसका विड्थ और हाइट हमको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक एक सर्वर है। हम यहाँ पर जब हमारा Nmap को स्कैन को देखेंगे दोस्तों, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा दोस्तों। देख लो यहाँ पर Nmap लॉगिन हमको ये फाइल मिल रहा है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं दोस्तों। ये अगर एनोनमसली अगर ये सर्वर में ये फाइलें डाला गया है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, FTP हम अब कनेक्ट कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। FTP करते हैं, उसके बाद 10.10.10.5, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनोनमस लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। एनोनमस लॉगिन कर लेता हूँ और पासवर्ड मैंने ब्लैंक डाल के ट्राई करता हूँ दोस्तों। रिमोट सिस्टम ट्राइज विंडोज एंटी बोल के दिखा रहा है, डायरेक्टरी अगर मैं देखूँ तो मेरे को डायरेक्टरी देखने के लिए मिला है। मतलब क्या है दोस्तों कि मैं यहाँ पर रिमोटली FTP कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब FTP यहाँ पर ओपन छोड़ दिया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमको क्या करना है नॉर्मली कि अभी हमको FTP यहाँ पर कुछ फाइल तो हम डाल सकते हैं, किसी भी कोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डेविल डाला हुआ है एक फाइल, आप देख लो दोस्तों। यहाँ पर अगर हम चले जाए और उसके बाद यहाँ पर जाके हम डेविल डालें, मे बी वो फाइल तो टेक्स्ट फाइल नहीं है, देखने को तो नहीं मिलेगा क्योंकि टेक्स्ट में सेव नहीं किया है। देख लेते हैं, हम एक गूगल कर लेते हैं दोस्तों, गूगल एक कार का पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। फोटो ये कार हो गया, स्लो रहा है, चलो सेव एज इमेज। इसको क्या करता हूँ, डैशिंग ट्राई टू हैक मी, और उसके बाद हम टेबल के अंदर में इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसका फाइल नेम क्या था, index.jpeg। चलो index.jpeg इसको खोल सकते हैं या नहीं, हाँ चलो इसमें खुल रहा है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फाइल है उसको हम पुट करते हैं index.jpeg, ठीक है ना। तो देखते हो फाइल यहाँ पर गया कि नहीं गया, तो
हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये फाइल यहाँ पर है, सॉरी ये फाइल यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर हम डायरेक्टरी में आ जाते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देख लेते हैं ये फाइल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिस्प्ले बिकॉज कंटेंट एरर, ये फ़ोटो अच्छा तरीके से नहीं आया होता तो हम इसको कर लेते फाइल TYP टाइप JPG, ठीक है, यही चीज़ें हैं। हाँ अभी देखते हैं सेव इमेजेस, अभी इसका क्या दे रहा है, JPEG इंडेक्स, कैंसिल कैंसिल। चेंज कर देता हूँ और इसको 1.jpg बोल के सेव कर लेता हूँ, वो देखते हैं 1.jpg को हम डाल के देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यूज़ आए चले या नहीं चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको सिर्फ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो JPG सॉरी पोर्ट 1.jpg, नो फाइल नहीं है बोल रहा है, नो सच डायरेक्टरी, किधर सेव हुआ भैया, कुछ सेव तो किया था, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है छोड़ देते हैं दोस्तों इसको, ये फाइल डालने के लिए छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी हमें प्रॉपर फाइल भी नहीं मिल रहा है। तो कोई एक फाइल अगर हमको मिल जाए तो हम उस फाइल को शायद कुछ कर सकते थे, डाल के देख सकते थे, एक टेक्स्ट फाइल को भी डाल के देख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए एक मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ देखने के लिए, ठीक है दोस्तों, MKDA, ओके एक फाइल बना लेता हूँ, लीफ पैड TXT, ठीक है, इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर दिया। इसको इधर से हम FTP जाते हैं, तो मैं पुट कर देता हूँ, जा रहा है ये देखना है दोस्तों, टेक्स्ट था TXT, जाता है या नहीं जाता है, रिवर्स क्लोज द कनेक्शन, ओके कनेक्शन क्लोज हो गया था, मुश्किल नहीं। ठीक है अभी पुट 1.jpg जाता है, नो सच डायरेक्टरी, फेयर इनफ, पुट TXT एग्जाम्पल, हम कहाँ पर यार, हम यहाँ पर है तो एलएस करके देखते हैं, सॉरी नाम अलग है ना, तो मैं यहाँ पर पुट करके देखते हैं दोस्तों सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर खोल के देख लेते हैं, 10.55 मिल रहा है, देखो वो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब क्या कर सक रहे हैं हम लोग यहाँ पर हमारा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक हम मेलवेयर बनाएंगे अपने लिए। तो मेलवेयर कैसे बनाना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर गूगल में चले जाओ, आपको पता होगा MSF वेनम बोल के एक चीज़ है दोस्तों, ठीक है, आपने अगर पहले यूज़ नहीं किया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। NSM वेनम जो टूल है दोस्तों, आप NSM वेनम के इसके यहाँ पर जाके हम चीट कोड देख लेंगे, जो चीट शीट है यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ये NSM वेनम एक माइक जो मेटास्प्लोइट का एक फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है दोस्तों, और ये क्या करता है, हमको मेलवेयर या कोई भी इस तरीके का वायरस या कुछ हमको जो चाहिए वो बना के देता है दोस्तों। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिसनिंग कॉमन प्रॉब्लम विंडोज़ का सेल है दोस्तों, उसके बाद ब्लाइंड सेल, क्रेट यूजर, ये बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएगा, हमको किस तरीके का किस टाइप का सेल चाहिए दोस्तों, रिवर्स सेल जो लिनक्स पेलोड के लिए है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ब्लाइंड सेल जो चाहिए हमको PHP के लिए, अगर रिवर्स सेल चाहिए तो उसका दिया हुआ है, SPS के लिए भी हमको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नॉर्मली अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको पता है कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कि हमारा जो जो ये सर्वर होस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट
IIS सर्वर में है। तो और IIS आपको पता होना चाहिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट में जो भी प्रोग्रामिंग किया जाता है दोस्तों, क्या है वो दो तीन टाइप का ही जो लैंग्वेज यूज होता है, जिसमें ASP, ASP.NET जो बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। तो हम देख लेंगे दोस्तों ASP और ASP.NET को यूज करके इससे एक पेलोड बनाएंगे और हम उसको हमारे सर्वर में डालेंगे और देखेंगे दोस्तों हम कनेक्शन हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम नॉर्मली इसको बना सकते हैं, खुद टाइप भी कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ पी पेपर पेलोड, विंडोज मेटापेटर रिवर्स शेल और लोकल हाउस जो है एल होस्ट जो लिसन करना है, एल पोर्ट सेटअप करना है दोस्तों। और इस तरीके से एल होस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं और या हम खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। तो हम हमारे इसमें चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खुद बनाते हैं दोस्तों, एक यूज़ करते हैं MSF वेनम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद DSP यूज करना है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या बनाना है दोस्तों, एक पेलोड बनाना है विंडोज़ विंडोज विंडोज। उसके बाद हमको जाना है मेटापेटर पेटर, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए रिवर्स TCP, रिवर्स अंडरस्कोर जो है TCP, ठीक है दोस्तों, TCP। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेट करते हैं हमारा एल होस्ट इज इक्वल टू, एल होस्ट कौन सा है हमारा, 10.10.14.5। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जाके IF कन्फिग करके देख सकते हो दोस्तों, जो हमें मिला हुआ है हमारा टनल का 14.5, ठीक है दोस्तों, रन कर देता हूँ। और उसके बाद एल पोर्ट हमको क्या चाहिए, एल पोर्ट हम एक बना लेते हैं 4444, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को, हमको कौन सा फाइल बनाना है दोस्तों, तो वो चीज़ फाइल हमको बनाना है ASP.NET, ठीक है दोस्तों। और इसका आउटपुट ले लेंगे हम, क्या बोल के ले लेंगे दोस्तों, जो भी आप सेल ले लो, cell.ASP.NET, ठीक है दोस्तों, आप ये या कुछ बोल के ले सकते हो, लोकेशन हमारा वही है। तो इसको हम बना लेते हैं, इस फाइल को हम देखते हैं ये फाइल बनता है या नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा टाइम ले लेगा, तो आपको इनवैलिड पेलोड, हमने टाइपिंग कुछ मिस्टेक कर दिया लगता है, क्या था, MSM फैनम विंडोज़, हम देख लेते हैं दोस्तों हमारा कुछ मिस्टेक है या नहीं है। हाँ ठीक है, मेटर पेटर हो गया, TCP, हाँ ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अगर कुछ चीज़ हमने मिस्टेक किया हुआ है तो दोस्तों, एल होस्ट हो गया, एल होस्ट कर देते हैं, एल पोर्ट कर देते हैं, और देखते हैं इसमें होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके लाके उसको चेंज कर लेंगे दोस्तों। नीचे वाला भी चाहिए, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, हो जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हम अभी क्या करते हैं दोस्तों, .rivers.asp है, ठीक है, फाइल टाइप ASP.NET, योर पोर्ट नंबर, ओके, स्मॉल कैपिटल ने प्रॉब्लम किया लगता है, तो ये मशीन इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता इस तरीके से। 10.10.10 लोकल होस्ट 14.5, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर इसको चला के देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हमारा फाइल बन गया, हमारा फाइल देख सकते हैं दोस्तों, जो रिवर्स सेल भी बना हुआ है, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, हम इसी को यूज कर लेंगे दोस्तों। तो इसकी अभी इसको क्या करना है दोस्तों, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हम FTP में आते हैं और हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, पुट करते हैं, पुट जो भी है, रिमोट सर्वर कनेक्शन लॉस्ट, कोई बात नहीं, एग्जिट करो, क्लियर करो, फिर से FTP, और हम एनोनिमस लॉगिन जो है उसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ब्लैंक डाल के हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुट, अभी ये चला जाएगा।
ठीक है, तो अभी ये हमने डाल दिया दोस्तों, अभी इस सेल को चला सकते हैं। अभी इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको रिवर्स कनेक्शन चाहिए। कहाँ पर हमको कनेक्शन लेके आना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अभी हमारे पास वो कनेक्शन लाने के लिए दोस्तों, मैं इसको भी बंद करता हूँ, चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम मेटास्प्लॉइट यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, MSF कंसोल, जो रिमोट MSF कंसोल, ठीक है, MSF कंसोल को हम यूज़ कर लेते हैं। और MSF कंसोल में हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हम उसमें एक हम कनेक्शन ले लेंगे दोस्तों, जो कनेक्शन लेने के बाद हम हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके दोस्तों। तो क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक मीटर पीटर जो मल्टी हैंडलर यूज़ कर लेते हैं हम दोस्तों, जो यूज एक्सप्लोइट एक्सप्लोइट, उसके बाद जो एक्सप्लोइट मल्टी, और उसके बाद हैंडलर बोल के जो है दोस्तों, मल्टी हैंडलर, मैं उस पैलेट को यूज करता हूँ। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन के बाद हमें यहाँ पर एल होस्ट सेटअप करना है, और एल पोर्ट ऑलरेडी यही है, तो हम कर लेंगे एल होस्ट, एल होस्ट हम सब सेट, कभी कभी करते करते भूल जाता है दोस्तों, एल होस्ट। तो उसके बाद हमारा 10.10.14.5 है, इसको हम सेव कर, इसको डाल लेते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सो पेलोड, सो पेलोड दोस्तों, या हम पेलोड भी देख सकते हैं, पेलोड्स। तो हमको कौन सा पेलोड मिला हुआ है, पेलोड चाहिए ना दोस्तों। तो पेलोड यहाँ पर बहुत सारा पेलोड है, तो हम कौन सा पेलोड यूज़ करेंगे, जो जो पेलोड हमने अभी हमने मेटापेटर शेल बनाने के लिए यूज़ किया था, जो MSM वेनो में यूज़ किया था, हमको वही रिवर्स कनेक्शन चाहिए दोस्तों। तो आप रिवर्स कनेक्शन देखना है, यहाँ पर हमको रिवर्स कनेक्शन मिलता है नए विंडोज़ का। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पेलोड का ऑप्शन है, आप डिफरेंट डिफरेंट पेलोड भी ट्राई कर सकते हो, मगर हम अभी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने विंडोज़ का बनाया है तो विंडोज़ का ही हम यूज़ कर लेंगे। आपको यहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हो, तो आप सर्च करके निकाल लो दोस्तों। अब मगर हम अभी क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं सेट पेलोड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, सेट पेलोड। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, विंडोज़, हाँ ये थोड़ा टाइम ले रहा है, सॉरी, विंडोज़, और उसके बाद मेटापेटर, मेटापेटर, उसके बाद रिवर्स TCP, ठीक है दोस्तों। अभी ये करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये अभी नहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर FTP में हमने डाला हुआ था, FTP में दोस्तों जो हमने ट्रांसफ़र किया था, आप देख सकते हो डाटा कनेक्शन DIR करके देख ले, इसको कनेक्शन फेल है, फिर से इसको एग्जिट करके हम कनेक्ट कर लेते हैं, एनोनिमस, ठीक है। तो इसको DIR करके देख लेते हैं दोस्तों, तो हमने जो रिवर्स सेल यहाँ पर डाला हुआ था, रिवर्स APX, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो इसको करने ही हम यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हमें रिवर्स कनेक्शन मिला या नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके, हाँ हमको देखो दोस्तों, हमने रिवर्स कनेक्शन मिल चुका है दोस्तों, तो कितना आसानी से हमने उस फाइल देख लिए। अब देखेंगे दोस्तों हम गेट UID, हम कहाँ पर है, हम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो हम अथॉरिटी सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम पूरा रूट को एक्सेस नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सेशन को हम बैकग्राउंड में भेज देंगे आसान से, और एक ऑप्शन है दोस्तों जहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा प्रिविलेज को एक्सेलेट कर सकते हैं, हम यूज़र एक्सेस से लेकर रूट एक्सेस में जा सकते हैं। हम ट्राई करेंगे दोस्तों सर्च, ठीक है दोस्तों, सर्च करके सजेस्टर, जो सजेस्टर बोल के एक टूल मिलता है दोस्तों, आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हो, सजेस्टर बोल के एक टूल मिलता है, जो हमको क्या करता है दोस्तों, वो हमें हमें देता है कि और नो सजेस्टर, सॉरी, यूज एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट सजेस्टर, हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर हमें सजेस्टर मिल रहा है, सर सजेस्टर सर्च कर लेना, सजेस्टर हम यूज कर, सॉरी यूज ही करना है पहले, सॉरी हमको यूज करना है, यूज जो भी है, यूज एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट नो
ओके, यहाँ पर हम सर्च करने के बाद हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। यूज पोस्ट मल्टी रिकॉन्ट लोकल एक्सपर्ट सजेस्टर, ठीक है दोस्तों, ये है। उसके बाद हम इसको, आसान है दोस्तों, कभी आपको भूल गए, मिस हो गया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। सेट सेशन वन, हमने सेशन को बैकग्राउंड में किया था, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, रन करेंगे। ठीक है, रन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये सजेस्टर क्या करता है दोस्तों, जो सेशन आपके पास है, जो यूज़र सेशन है, ये आपको करके ढूंढ के देगा कि उस वल्नरेबिलिटी के लिए जो सेशन आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप प्रिविलेज को एक्सेलेट करने के लिए कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको सर्च करके बता देगा कि कौन सा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो हम थोड़ा टाइम वेट कर लेंगे और देख लेंगे, मे बी हमारा FTP में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया ना। हाँ, ये गया, इसको एग्जिट करो, फिर से इसको कनेक्ट करो, बस लॉगिन करो, और उसके बाद ये करने के बाद इसको भी चला देते हैं दोस्तों एक बार, तब तक के लिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अभी मैंने करने के बाद दोस्तों ये सर्च करना शुरू कर दिया है, तो ये सर्च करके हमको दिखाएगा कि कौन सा हम इसको मैं बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ, कौन सा ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें काम में आ सकता है, या हम इसका प्रिविलेज को एक्सेलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेशन मेट्रोपोलिटन सेशन क्लोज, रीजन इज डेड, सेशन क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये हमको बहुत सारे पेलोड ऑलरेडी दिखाया हुआ है दोस्तों। तो हम पेलोड में देख सकते हैं, हमको मिल रहा है एक्सप्लॉइट, ये मिल रहा है लोकल, ये मिल रहा है, बहुत सारे पेलोड है दोस्तों। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेलोड को ट्राई कर सकते हो या एक्सप्लॉइट को ट्राई कर सकते हो। तो मेरे को पता है ये एक्सप्लॉइट भी हमको काम करने का दोस्तों, जो विंडोज़ का ये पेलोड है, जो एक्सप्लॉइट है। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यूज़ इस पे लिख के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करने के बाद हम एलएस करेंगे, सॉरी एलएस नहीं, ऑप्शन कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या चीज़ सेटअप करना होता है दोस्तों, तो हमको पूछ रहा है लोकल होस्ट सेटअप करो और पोर्ट सेटअप करो, तो एल पोर्ट सेटअप करो। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने 444 हमने पहले ही यूज़ किया था, तो इसको भी चेंज कर लेंगे और इसको चेंज कर लेंगे। सेट एल होस्ट, एल होस्ट क्या करेंगे दोस्तों, हम एल होस्ट में देख लेंगे, एल होस्ट में हम सेट कर लेते हैं 14.5। ठीक है, सेट एल पोर्ट, उसको क्या कर लेंगे 4446। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको रन कर देते हैं। तो ये कनेक्शन फेल हो गया, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है हमारा FTP हमें धोखा दे चुका है। नहीं, ये तो चल रहा है, हाँ तो ये चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको देख लेते हैं क्या हो गया। सो ऑप्शंस विंडोज 7 पोर्ट्स, ठीक है 4466, ठीक है। तो इसको तब तक के लिए मेल फाइल फिर से एक बार चला देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसके साथ हमको सेशन भी देना है ना दोस्तों। तो अभी हमारे पास सेशन है, सो सेशंस, देयर इज नो एक्टिव सेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आके हम फिर से एक यहाँ, नहीं तो यहीं पर देख लेते, इसी को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जाके हम मल्टी हैंडलर को ऑन करके एक सेशन ले लेते हैं दोस्तों। हमारे पास मल्टी हैंडलर किधर है, मेटर पेटर विंडो से पेलोड हो गया, मल्टी हैंडलर रन। ठीक है दोस्तों, तो रन करके मैं इसको फिर से एक बार एक सेशन ले लेता हूँ। तो ये देख लेते हैं, ये सेशन हमें मिल जाएगा। हाँ, तो सेशन मिल गया दोस्तों। इसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड करता हूँ, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा ये है इसको करके रन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको रन कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, सेट सेशन तो देना है ना, सेशन कौन सा है पहले सेशन दोस्तों, सेशन टू है दोस्तों। तो सेट सॉरी सेशन टू, उसके बाद रन मारो, क्योंकि उसको सेशन नहीं देंगे तो किसको करेगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी ये
कर रहा है दोस्तों, प्रिविलेज को एक्सलेट कर रहा है। तो हम देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। अगर ये काम नहीं किया तो हम दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये हो चुका है, तो हम गेट यू आई डी, वो ग्रेट। देखो दोस्तों, हम विंडोज़ के अथॉरिटी सिस्टम में आ चुके हैं। तो हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, हमने क्या किया, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से, हमने अपना पेलोड बनाया, ठीक है दोस्तों, हमने एक रिवर्स सेल बनाया, उसको हमने सर्वर में डाला और उसको क्या किया दोस्तों, रिवर्स कनेक्शन लेके उसका यूज़र एक्सेस मिला। और उसके बाद हमने उसको क्या किया दोस्तों, हमने उसको फिर से हमने अपार एक्सेस में लेके, अभी आप इसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप सेल बना लो, ठीक है, सेल। तो सेल में आ गया, तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, आप फिर उसमें बाद आपको ये जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो DIR कर लेंगे, क्या है यहाँ पर, यूज़र सीडी, यूज़र्स, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको देख लो, इसको देख के आपको जो भी चाहिए, बेबीज बोल के एक यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर का लेके दिखा देता हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उसके बाद DIR इसके डेस्कटॉप में होगा, डेस्कटॉप एलएस तो नहीं करेगा, DIR। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो यूज़र का आप खुद ले लो, मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ आपको, जो टाइप करना है और रूट .txt, ठीक है दोस्तों। तो ये करने के बाद आपको टोकन मिल गया, आपको जो भी चीज़ चाहिए मिल गया। मैं आश करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आप बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों। आपको नया चीज़ कुछ सीखने का दिल करा तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो दोस्तों। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें लेके मैं आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आज का वीडियो को मैं ही खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द ही आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।